हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। ज्योमेट्री का जो पहला वीडियो था उसमें हमने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट इन सब के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ये लाइंस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। टाइप्स ऑफ लाइंस मतलब तुम बोलो सर लाइन तो लाइन है, टाइप्स ऑफ मतलब हम किस तरह से उनको और नाम दे सकते हैं, या फिर जब यूज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, लाइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है, ठीक है। पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब द मल्टीपल लाइंस दोज क्रॉस ईच अदर, ओके। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ लाइन, सपोज दिस इज लाइन एल एंड अनदर लाइन इज गोइंग थ्रू इट, सपोज दिस इज लाइन एम, ओके। नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट दे गो थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ओके। सो दे पास ईच अदर थ्रू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। एंड वी कैन से दैट द सपोज दिस पॉइंट इज ओ, ओके, लेट्स नेम इट एज ओ। सो नाउ वी कैन से दैट लाइन एल एंड लाइन एम दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओके। सो दिस पेयर ऑफ लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट वेदर ओनली टू लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, नो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओके। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी कैन ड्रॉ मल्टीपल लाइंस थ्रू दैट पॉइंट ओनली, n number of lines can be drawn through that point. All these lines, they intersect each other through that point only. So you need to remember that infinite number of lines can intersect each other through a single point. So all these lines are intersecting lines. Okay. So let us now discuss about parallel lines. अभी हमने देखा intersecting lines मतलब lines those इंटरसेक्ट ईच अदर थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस क्या होंगे, द लाइंस दोज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल, सी स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में डिस्कस किया, मतलब लाइंस दोज पास थ्रू ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो अभी पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू लाइंस, सपोज लाइन एल लाइक दिस and line M, there is a line M, suppose this is line L and this is line M. Now you can say that they are not intersecting lines because they are not passing through each other over here. But you need to remember that lines, they go to infinity, they don't have any end points. So यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि line L को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये उसका तो एंड पॉइंट है नहीं, ये आगे तक गया है, पता नहीं कहां गया है, इंफिनिटी तक गया है, तो मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। सपोज यहां तक मैं सपोज बढ़ा दिया इसको, लाइन एम को भी जब मैं आगे बढ़ाऊंगा सेम डायरेक्शन में, जब ये लाइन एम आगे बढ़ेगा तो तुम ये देख सकते हो अभी कि आगे जाके वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब भले ही पहले वो क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके क्रॉस कर रहे। सपोज ये पॉइंट ओ है, तो ये है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
इनिशियली डायग्राम में हमने देखा कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बट देयर लाइंस, सो अगर उनको हम एक्सटेंड करें तो आगे जाके कोई ना कोई पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसलिए लाइन एल एंड लाइन एम इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करें। चलो देखते हैं किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सपोज हम वही दो लाइन लेंगे, लाइन एल सपोज ये लाइन एल है और लाइन एम, ठीक है, वही दोनों नेम मैंने दिया हुआ है अभी, लाइन एल लाइन एम। अभी देखो दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, क्योंकि अगर किसी भी डायरेक्शन में उसको मैं इन अगर एक्सटेंड करूं, मैं कहीं पे भी अगर एक्सटेंड कर देता हूं दोनों को, चाहे इस डायरेक्शन में करूं चाहे इस डायरेक्शन में करूं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक प्रॉपर गैप मेंटेन किए हुए हैं एक दूसरे के बीच में। ये जो गैप है ये हर जगह सेम ही है, तो क्या हो रहा है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, द वर्टिकल डिस्टेंस, और वी कैन से दैट एनी टू पॉइंट्स lying on these two lines which are vertically opposite to each other, they maintain the same distance between each other. That means suppose this is a point and just opposite to that point, vertically opposite, that means exactly at 90 degrees. We will discuss about the angles later on. You just remember these two points are vertically opposite to each other, that means they are at 90 degree to each other. Such pair of points on these two lines always maintain the same distance between those two points. So students, hum ye bol sakte hain ki jo lines ek dusre ko intersect nahi karte ya fir non intersecting lines they are called parallel lines. Okay, non-intersecting lines are called parallel lines. Students, parallel lines, they can go in any direction. Okay, so now we will discuss the types of parallel lines. Here you can see three pairs of parallel lines. Okay, so these two lines, line L and M, they are parallel to each other and they are horizontal. So these are called horizontal parallel lines. Line O and line P, they are going in a slanting position, so they are called slanting parallel lines. And line Q and R, they are vertically arranged or they are going at an angle of 90 degree. Okay, so they are called vertical parallel lines. Okay, horizontal parallel lines, slanting parallel lines and vertical parallel lines. So how can we represent these symbolically? That means we can write L is parallel to M, here O is parallel to P and Q is parallel to R. So by seeing this only one can recognize that the line L and M are parallel to each other, line O and P are parallel to each other and Q and R are parallel to each other. Okay, so these all are the types of parallel line, or we can say we can name such parallel lines by these names: horizontal parallel lines, slanting parallel lines and vertical parallel lines. Okay, let us now discuss about the vertical lines. Okay students, vertical lines are at 90 degree to each other. Ye 90 degree kya hai, ye angle hai, hum aage angles ke bare mein padhenge, to abhi itna hi dhyan rakho ki jo vertical lines hote hain wo ek dusre ke sath 90 degree ka angle create karte hain. For example, agar main example lu
तो सपोज ये है अभी लाइन L और ये है लाइन M, ठीक है, ये लाइन M और ये लाइन L, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ यहां पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री अभी है। अभी बस इतना ध्यान रखो 90 डिग्री क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू 90 डिग्री। तो अभी लाइन L एंड लाइन M दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो ऐसे पोजिशन में जब भी लाइन्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स। देखो ये ऐसे भी हो सकते हैं, सपोज ये एक लाइन है और यहां पे ऐसा एक और एक लाइन जा रहा है, ठीक है, सपोज ये O है ये P है, तो अभी क्या है, O और P यहां पे सपोज ये 90 डिग्री है, सो लाइन O एंड लाइन P आर ऑल्सो एट राइट एंगल टू ईच अदर, दैट मीन दे हैव 90 डिग्री इन बिटवीन देमसेल्व्स, सो इन दिस केस ऑल्सो O एंड P दे आर वर्टिकल लाइन्स, इट माइट बी इन एनी डिरेक्शन, सपोज अ लाइन इज लाइक दिस and another line is going in a slanting position like this, okay, and they are creating 90 degree between each other, so these two lines are also called vertical lines, suppose this is O and this is, suppose this is Q, this is R, okay, so all these lines are vertical lines because they are creating 90 degree or they are at right angle to each other. तो अभी इनको हम सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे M इज वर्टिकल टू L, O इज वर्टिकल टू P, Q इज वर्टिकल टू R, तो ये जो सिंबल है ये वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं। हमको ध्यान देना पड़ेगा क्या दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री है, अगर है वो किसी भी डायरेक्शन में जाए उनको वर्टिकल लाइन से बोला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, वर्टिकल लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग क्लियरली, अगर फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट रह जाता है तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरा मेल आईडी है, अपने डाउट्स मेरे पास मेल करो, मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा और तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी अगर मेरा नया वीडियो अपलोड हो रहा है तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो भी अभी हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, जो पढ़ा था क्या लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री वो और ये लाइंस के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब तुमको रिवाइज करना जरूरी है और ध्यान में रखना ये जब तुम लोग रिवाइज करोगे एक पेन पेपर लेके या पेंसिल लेके रिवाइज करना, ड्रॉ करते हुए करना ताकि तुमको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है, नए चीजों के बारे में सीखो क्योंकि यही तुमको लाइफ में आगे लेके जाएगा, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, keep learning new things and enjoy your life, keep smiling.